Hello everyone, this is Ayushi. If you are new to my channel, first click on subscribe button. In today's video, I will explain you Python set methods. Basically, Python has a set of built-in methods that you can use on sets. And following our description of different methods. Just like list and tuple, set also have lots of built-in methods. जैसे मैंने list पढ़ाया था और tuple पढ़ाया था, तो उसमें मैंने उन्हीं की बहुत सारी methods, inbuilt methods को बताया था. तो वैसे ही हमें यहाँ पर भी देखना है जो Python की Python में set की built-in methods हैं, वो हैं add, clear, copy, difference, update, discard, intersection, update, is disjoint, is subset, is superset, pop, remove, symmetric difference, update, union and update. So जैसे जैसे इनके words हैं वैसे वैसे ही इनका काम है. जैसे लाइक add अगर हम करना चाहते हैं तो हमें add method को use करना है, add built-in method को use करना है, तो वो क्या करेगा, element को set में add कर देगा. फिर हमें अगर clear करना है तो आप क्लियर को यूज़ करिए. जैसे ही आप क्लियर मेथड को यूज़ करोगे, जितने भी एलिमेंट्स हैं सेट में से रिमूव हो जाएंगे. आप कॉपी करना चाहते हो तो कॉपी के लिए आप कॉपी को यूज़ कर लो, जो भी सेट आपने बनाया वो सेट, उसके बाद डॉट और कॉपी लिखोगे, सर्कुलर ब्रैकेट लगाओगे, आपका जो भी सेट में एलिमेंट्स थे वो सारे के सारे कॉपी हो जाएंगे. और इसी तरह से ये सारे के सारे मेथड्स वर्क करेंगे. जैसे इनका कीवर्ड है उसी तरह से इनका काम भी है. तो अब हम स्क्रीनशॉट में आते हैं. सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ पाइथन सेट ऐड मेथड. आपको अगर ऐड करना है तो आप कैसे यूज़ करेंगे. अगर हमें ऐड करना है तो ये सिंपल सा सिंटैक्स है, सेट डॉट add element. सेट जो आप बना रहे हो, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, एक सेट बनाकर बताया था, वैसे ही आप एक सेट को बनाओगे, डॉट लगाओगे, ऐड करोगे और जो एलिमेंट को आपको उसमें ऐड करना है वो करोगे. ऐड मेथड किस लिए यूज़ होती है, ताकि आप एलिमेंट को ऐड कर सके सेट में. और ये ऑलरेडी इनबिल्ट है, आपको इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा में नहीं करना है. एंड नाउ इट्स एग्जाम्पल ऑफ डिफरेंट इनबिल्ट मैथड. सबसे पहले तो आपको सेट बनाना पड़ेगा. तो मैंने भी सेट बनाया, सेट में मुझे 20 को ऐड करना था, तो जस्ट मैंने सेट लिखा, डॉट किया, 20 एलिमेंट लिखा और फिर सेट को प्रिंट करा, तो 40, 20 एंड 30 आ गया. जो मैंने सेट पहला बनाया था उसमें मैंने 40 और 30 एलिमेंट्स को लिखा था, 20 को नहीं लिखा था, लेकिन मैंने जब ऐड किया तो मुझे 40, 20 एंड 30 एलिमेंट मिल गए. आफ्टर डैट सेट इक्वल्स टू, दूसरा जो मैंने बताया है सेट इक्वल्स टू 10, 20, 30, उसमें मैंने ऐड करना चाहा है 40 को, तो फिर मैंने अगेन सेट को रन किया, तो देखिए प्रीवियस उसमें 10, 20, 30 थे, अब जैसे ही मैंने इसमें 40 को ऐड किया, 40 ऐड होकर इसमें आ गया. मैंने क्लियर को यूज़ किया, जैसे सेट डॉट क्लियर किया, जितने भी एलिमेंट्स कर्ली फ्रेजेस के अंदर थे वो सारे के सारे ब्लैंक हो गए, और ये आपको दिख रहा है सेट बिल्कुल ही क्लियर एलिमेंट. फिर मैंने सेट डॉट कॉपी किया, मुझे सेट के जितने एलिमेंट्स थे उनको कॉपी करना था, तो जैसे ही मैंने कॉपी किया एज इट इज़ वो प्रिंट हो गया, क्योंकि सेट तो पूरा का पूरा खाली हो चुका है, क्योंकि हमने उसको क्लियर कर दिया, तो जो सेट यहाँ पर शो कर रहा है वो ब्लैंक शो कर रहा है. नेक्स्ट इज पाइथन सेट डिफरेंस मैटर. डिफरेंस मैटर, रिटर्न अ सेट डेट कंटेन्स द आइटम डेट ओनली एग्जिस्ट इन सेट ए नॉट इन सेट बी. इसमें क्या होता है, जब आप डिफरेंस करते हो तो डिफरेंस करने के बाद जो कॉमन एलिमेंट है वो रिमूव हो जाएगा और बचेगा क्या, जो सेट ए में है, क्योंकि आपने क्या लगाया है, डिफरेंस लगाया है सेट ए डॉट डिफरेंस सेट बी. आपने सेट ए में से सेट बी को डिफरेंट का डिफरेंस किया है, और डिफरेंस जब भी आप करते हैं तो कॉमन एलिमेंट रिमूव हो जाता है और रिमेनिंग बचेगा जिसके ऊपर आपने डिफरेंस लगाया, मींस आपने सेट ए पे लगाया है, तो ए में से कॉमन एलिमेंट हो गया 10 रिमूव और बचा क्या 20 एंड 30, जो कि आपको एज अ आउटपुट मिल गया 20 एंड 30. नेक्स्ट इज पाइथन सेट डिफरेंस अपडेट मैथड. दिस इनबिल्ट मैथड रिमूव द आइटम डेट एग्जिस्ट इन बोथ द सेट. ये उस एलिमेंट को रिमूव करता है जो कि दोनों सेट्स में प्रेजेंट हो. द डिफरेंस अपडेट मैथड रिमूव्स द आइटम डेट एग्जिस्ट इन बोथ सेट्स. द डिफरेंस अपडेट मैथड इज डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंस मैथड.
because difference method returns a new set without the unwanted item, and the difference update method removes the unwanted items from the original set. Difference update और difference method दोनों अलग है, क्योंकि difference method क्या करता है, एक new set हमें देता है unwanted items को remove किए बिना, और जो difference update है ये unwanted items को remove कर देता है किससे, ओरिजिनल सेट से. जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डिफरेंस किया है हमने, 10 को रिमूव किया है, और अब हम अगर सेट ए को रन करेंगे, अपडेट के साथ रन करेंगे, तो जो हमें मिलेगा वो सेट ए यही मिलेगा, डेट इज 20 एंड 30. तो देखते हैं, जस्ट लाइक लुक दिस वन, सेट ए डॉट डिफरेंस अपडेट सेट बी, ये हम ऑलरेडी रिमूव कर चुके थे, तो जो हमें अपडेटेड मिला डेट इज सेट ए 20 एंड 30. डेट्स ऑल फॉर टुडे वीडियो. इसमें बहुत सारे मैथड्स हैं, बहुत सारे इनबिल्ट मैथड है जिनका मुझे इंडिविजुअल अपलोड करना पड़ेगा, इसीलिए मैंने इसमें सिर्फ 2-3 को ही इंक्लूड किया है. बाकी के ये जो स्टार्टिंग में इतने सारे आपको मैथड्स दिखाई दे रहे हैं, इनका इंडिविजुअल वीडियो भी आपको मेरे अपकमिंग वीडियोज़ में मिल जाएगा. तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें. And thank you so much for watching my video. Consider subscription, subscribe to my channel. Thank you so much.